Good morning, children. In the lesson, can you see the pattern? This is the next part. So, open your book and uh, go to page number 105. Here you will see left, right, same to same. Left, right, same to same. Very interesting topic is there. So, you can see a number is there 121. Now, left side 8 karo, it is 121. Right side 8 karo, it is 121. This is a special type of number and this is called palindrome. I will uh, tell you later. First, let's see what they are talking about. Can you see something special about 121? Mm, what? It's just a number. Then the, the, this bird is saying, See, it is the same forward as well as backward. Deke? Forward or backward, hai? same. Hai. Oh, the boy is saying, Yes, it is 1 to 1 from right to left also. Hai na? 1 to 1 from right to left, 1 to 1 from left to right. सो दिस दिस इज अर स्पेशल नंबर दैट इज कॉल्ड पेलेंड्रोम इसको हम पेलेंड्रोम भी कहते हैं पेलेंड्रोम का मतलब क्या होता है इसमें नंबर uh, भी आते हैं वर्ड्स भी आते हैं ठीक है फ्रेज भी आते हैं सेंटेंस भी आते हैं ठीक है सो पेलेंड्रोम इज इन पेलेंड्रोम वर्ड फ्रेज और नंबर दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एग्जाम्पल्स देखो मोम जिससे ना मोम एम ओ एम लेफ्ट टू राइट मोम राइट टू लेफ्ट मोम सेम टू सेम एंड सम अदर वर्ड लेवल द नंबर लाइक दिस है ना दिज आर अकॉल्ड पेलिंड्रोम नंबर्स सो हियर यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेट सी कम लेट्स हाउ टू गेट सच नंबर ये नंबर हम खुद बना सकते हैं ठीक है अगर कोई नंबर आपके पास है अगर पेलीड्रोम नहीं है यू कैन मेक दैट पेलिंड्रोम नंबर लाइक दिस जस्ट दिस एग्जाम्पल टेक अ नंबर से फोर्टी थ्री आपने कोई भी नंबर ले लिया एक नंबर ले लिया आपने फोर्टी थ्री क्लियर नेक्स्ट देखो फोर्टी थ्री तो पैलिंड्रोम नहीं है है ना क्योंकि फोर थ्री एंड थ्री फोर दोनों तो अलग अलग है लेकिन आप फोर्टी थ्री को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट क्या करोगे आप नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट आप इसको उल्टा कर दो यहां पे फोर्टी थ्री था ना इसको आप टर्न कर दो तो क्या हो जाएगा थर्टी फोर हो गया अब आप क्या करोगे यू विल एड देम टूगेदर दोनों को प्लस कर दो इसको और दोनों नंबर्स को प्लस करने पर क्या आ गया सेवनटी सेवन एंड यू नो सेवनटी सेवन इज द ठीक है ना सेवेंटी सेवन एज पैलेंड्रोम ना क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या है सेम टू सेम सो यू से सेवेंटी सेवन एजेंड्रोम देर आर मेनी सच नंबर ओके सो नेक्स्ट सी वन मोर क्वेश्चन यस, अभी आप एक नेक्स्ट नंबर ले लो फोर्टी एट लेस चोर्टी एट पेलिन्रोम है कि नहीं अगर नहीं है तो उसको हम पेलिनड्रोम में चेंज करेंगे लेस टेक एनदर नंबर फोर्टी एट जो कि पेलिन नहीं है है ना क्योंकि फोर्टी एट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम टू सेम लेफ्ट टू राइट सेम टू सेम नहीं है सो यूल वट विल डू यू विल टर्न इट बैक टू फ्रंट फोर्टी एट को आपने टर्न कर दिया तो फोर्टी एट को टर्न करने पर क्या मिला एटी फोर एंड नाउ यू विल एड देम टूगेदर दोनों को प्लस किया कितना मिला वन थर्टी टू अभी देखो वन थर्टी टू ये भी क्या है पेलिन नहीं है इट मींस अभी आपको सेम चाहिए सेम जो है ना एक बार और करना पड़ेगा yeah. no. right, नंबर so, से बुलाओगे एंड अगेन टर्न इट बैक टू फ्रंट फिर से आप इसको बैक टू फ्रंट टर्न करो ये क्या था ये वन थर्टी टू था इसको चेंज करने पर क्या होगा टू थर्टी वन हो जाएगा नाउ आप इस वन थर्टी टू को और टू थर्टी वन को प्लस करो एट द टू टूगेदर

चेंज हो जाता है ओके नाउ सम वर्ड्स ऑल्सो लेट्स यूज वर्ड्स इन स्पेशल वे कुछ वर्ड्स यहाँ पे जैसे नो लेमंस, नो लेमंस, नो मेलन ऐसे है ना अब देखो ये लेफ्ट टू राइट क्या है नो लेमंस, नो मेलन है ना लेकिन इसको उल्टा पढ़ो देखो यहाँ पे नो लेमन सॉरी नो लेमन्स नो मेलन कितना मजेदार है ना लेफ्ट राइट right, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम टू सेम है सो यू कैन रीड द सेकेंड वन ऑल्सो ये देखो स्टेप नॉट ऑन पेट्स इसको उल्टा कैसे पढ़ेंगे स्टेप नॉट ऑन पेट्स है ना कितना मजेदार है येस सो यू कैन सी सम सेंटेंस समो देर पेल इन रोम डिड यू नोटिस दैट इट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ साइड येस हमने इसको करके देख लिया राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इच बोथ आर इक्वल सेम नाउ लेफ्ट गो टू नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर वन जीरो सेवन ही सी आर कैलेंडर मैजिक ये बहुत ही मज़ेदार है ठीक है कैलेंडर मैजिक आप कोई भी कैलेंडर घर में ले लो या फिर कैलेंडर खुद से बना लो अपनी नोटबुक में एंड यू विल प्ले दिस गेम वट टू डू देयर लुक एट द कैलेंडर भी लो आप यहाँ पर कैलेंडर देख सकते हो किसी मंथ का कैलेंडर है ये कैलेंडर आपने देखा होगा उसमें uh, डेज होते हैं और डेट्स होते हैं ठीक है नाउ लेट अस मार्क अ थ्री इंटू थ्री बॉक्स मीन्स एक ऐसा बॉक्स मार्क करना है जिसमें क्या होगा थ्री इंटू थ्री बॉक्स होंगे मतलब टोटल नाइन बॉक्स होंगे उसमें टोटल कितने बॉक्स होंगे नाइन बॉक्स मतलब उसके अंदर नाइन डेट्स होंगे ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक वॉट इज मैजिक देयर लेट्स सी द गर्ल इज सेइंग आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दीज नंबर्स इन द बॉक्स ये बॉक्स के अंदर जो नंबर है ना कितने नंबर हैं बॉक्स के अंदर नाइन ठीक है अभी नाइन नंबर्स को आपको प्लस करना है कितना इतना इजी तो है नहीं नंबर्स को प्लस करना है सारा बट हियर इज द मैजिक वॉ वन दैट टेक सम टाइम ये पूछ रही है यस yes, वो टाइम लगेगा उसमें तो सो द गर्ल इज सेइंग द टोटल इज नाइन्टी नाइन लेकिन आपको नाइन्टी नाइन कैसे मिला आपने सारा नंबर को सबको प्लस किया होगा ना ये सारा नंबर्स को आपने सारे नाइन नंबर्स को प्लस करके तब तो ना पता किया होगा नाइन्टी नाइन बट देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक एंड दैट इज़ फर्स्ट यू विल टेक द स्मॉलेस्ट नंबर ट्रिक क्या है आपको इन सारे नंबर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो लेना है कौन है स्मॉलेस्ट थ्री ठीक है उसमें क्या करना है आपको एट ऐड करना है एड एट टू एट तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस एट इलेवन हो गया एंड देन मल्टीप्लाई एट बाई नाइन फिर नाइन से आप मल्टीप्लाई कर दो देन टोटल इज़ नाइन्टी नाइन देट इज़ सेम टू सेम है ना ऐड करने पर भी कितना आया नाइन्टी नाइन और ये जो मैजिक है ये मैजिक से भी कितना आया नाइन्टी नाइन बट इससे भी खतरनाक मैजिक है वो मैजिक क्या है आपको कुछ नहीं करना है जो आप यहाँ पे बॉक्स बना रहे हो ना जो बॉक्स के अंदर नाइन नंबर्स आ रहे हैं ना तो आप बिल्कुल बीच वाला नंबर ले लो सेंटर में जो नंबर है सेंटर में कौन सा आया नंबर है इलेवन आप सिंपली इलेवन को नाइन से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया नाइनटी नाइन आपको कुछ नहीं करना है ऐड भी नहीं करना है ठीक है यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी एनी बॉक्स कोई भी आप बॉक्स या मान लो आपने ये वाला बॉक्स ले लिया नाइन नंबर्स का ठीक है यहाँ भी आप क्या करोगे सेवेंटीन को नाइन से मल्टीप्लाई कर दोगे सो द आंसर विल बी जस्ट सेम दैट विल बी सम ऑफ ऑल द नंबर्स ठीक है इसको आप घर पे चेक करना किसी से किसी को सरप्राइज नहीं कर सकते हो आप किसी से कैलेंडर में दिखा के पूछना इस बॉक्स के जो नाइन नंबर्स है ना सबको प्लस करके बताओ तो वो तो प्लस करने लगेगा उसको तो बहुत टाइम लगेगा बट आप क्या करोगे आप सिंपली क्या करोगे बीच वाले नंबर्स को नाइन से मल्टीप्लाई कर दोगे वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा और वो बैठ के तब तक प्लस करते रहेंगे वो तो है ना बहुत ही मज़ेदार है ये ओके यू विल डू दैट एट योर होम देखो मज़ा आता है कि नहीं ठीक है सो दिस वार द ट्रिक इन कैलेंडर मैजिक नेक्स्ट गो टू पेज नंबर वन वन जीरो देयर इज सीक्रेट नंबर सीक्रेट नंबर में देखते हैं क्या है बन्नो एंड बिनोद वर प्लेइंग अ गेसिंग गेम बाय राइटिंग क्लूज अबाउट अ सीक्रेट नंबर ठीक है वो कुछ क्लूज uh, बना रहे हैं ठीक है कोडिंग करके ईच ट्राई टू गेस द अदर ओल्ड गेस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लूज कुछ क्लू दिया रहेगा आपको क्लू को रीड करके नंबर को गेस करना है सो लेट्स सी फर्स्ट वन यस ये है फर्स्ट बन्नो का ठीक है यहाँ पे क्या करोगे आप सारे क्लूज को अच्छे से पढ़ोगे फिर आपको आंसर बताना है सो फर्स्ट इज जो नंबर आपको गेस करना है वो क्या है इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ हंड्रेड ये जो नंबर है ना दट इज लार्जर देन हाफ ऑफ हंड्रेड हंड्रेड का हाफ कितना होता है फिफ्टी इसका मतलब जो नंबर है ना वो तो फिफ्टी से ज़्यादा है फिफ्टी से ज़्यादा है मतलब वो फिफ्टी से छोटा नहीं है फिफ्टी से बड़ा है ये तो हो गया फर्स्ट क्लू सेकेंड क्लू इट इज़ मोर देन सिक्स टेंस सिक्स टेंस का मतलब सिक्सटी सिक्स टेंस का मतलब सिक्सटी मतलब नंबर जो क्या है नंबर सिक्सटी से ज़्यादा है नेक्स्ट एंड लेस देन सेवन टेंस सेवन टेंस का मतलब सेवेंटी नंबर क्या है सिक्सटी से ज़्यादा है और सेवेंटी से कम है मतलब सिक्सटी और सेवेंटी के बीच में नंबर मिलेगा तो क्या करते हैं हम हम नंबर सारे लिख लेते हैं सिक्सटी से सेवेंटी के बीच में येस yes. देखो ये सारे नंबर हमने बुला लिए सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन है ना बस यहाँ तक ये यह नंबर होगा इसके आगे नंबर नहीं होगा तो चेक करते हैं नेक्स्ट क्लू क्या है द टेंस डिजिट इज़ वन मोर देन द वंस डिजिट है ना अब इसमें नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें जो टेंस डिजिट है ना है ना वो वंस डिजिट से एक ज़्यादा है यहाँ देखो यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है ये रहा सिक्सटी फाइव इसमें टेंस पर क्या है टेंस पर कौन सा नंबर है सिक्स और वंस पे क्या है फाइव जो टेंस वाला है वो वंस वाले से वंश ज्यादा है कि नहीं है ना यस yes. तो ये वाला क्लू भी मिल गया अब लास्ट वाला क्लू चेक करते हैं टूगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ है जो दोनों डिजिट्स है ना उसका सम कितना होना चाहिए इलेवन सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यस सो द नंबर इज इलेवन सॉरी सिक्सटी फाइव है ना आपने सारे क्लूज को पढ़ लिया अच्छे से और फिर आपने नंबर गैस कर लिया द नंबर इज सिक्सटी फाइव फिर से आप इसको पढ़ के चेक करना बहुत ही मजा आएगा नेक्स्ट एक और पजल है जो नंबर आपको गैस करना है ना दैट नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ हंड्रेड वो क्या है हंड्रेड के हाफ से भी छोटा है तो हंड्रेड का हाफ कितना होता है फिफ्टी मतलब नंबर क्या है फिफ्टी से छोटा फिफ्टी से भी छोटा है तो फर्स्ट स्टेप इज इट इज मोर देन फोर टेंस फोर टेंस का मतलब फोर्टी फोर्टी से ज़्यादा है एंड लेस देन फाइव टेंस फाइव टेंस का मतलब फिफ्टी फिफ्टी से छोटा है तो so नंबर क्या है फोर्टी और फिफ्टी के बीच में मिलेगा कहीं पे पर so चलो बुलाते बुलाते हैं नंबर्स को ये रहे नंबर्स फोर्टी और फिफ्टी के बीच में कौन से नंबर हैं ये सारे नंबर्स हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट क्या है थर्ड क्लू देखते हैं द टेंस डिजिट इज टू मोर देन द दंस डिजिट टेंस डिजिट जो है वो वन से दो ज्यादा है ये देखो ये तो पहला नंबर ही मिल गया हमको फोर्टी टू है ना यहां पे क्या है देखो टेंथ पे क्या है फोर और वंस पे क्या है टू तो टेंथ वाला जो है वो वंस से कितना है जा, दो ज्यादा है कि नहीं टेंस प्लेस पर क्या है फोर वंस प्लेस पर क्या है टू तो जो टेंथ वाला है वो वंस वाले से कितना ज्यादा है दो यही तो कह रही है थर्ड क्लू में द टें डिजिट इज टू मोर देन दंस डिजिट क्लियर इसका मतलब ये लग रहा है कि ये नंबर यही होना चाहिए फोर्टी टू आगे आपको चेक ही नहीं करना आगे चेक कर लीजिए आप ऐसा और कहीं मिलेगा ही नहीं आपको ठीक है नेक्स्ट टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ सिक्स ये भी चेक कर लेते हैं जो डिजिट्स हैं फोर और टू इसका सम कितना होगा सिक्स होगा ना मतलब ये वाला भी क्लू हमने चेक कर लिया सो फाइनली द नंबर इज फोर्टी टू है ना ये सारे क्लूज आपने रीड किए और आपने नंबर को गेस कर लिया है ना दिस वॉज अबाउट दिस सीक्रेट नंबर्स सो यू विल नोट डाउन ऑल दिस इन ए नोट और आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं ऑफियरली अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए आप ठीक है आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे ओके टेक केयर थैंक यू